एक गिलास हम चावल के आटा लिए हैं, इसी गिलास से हम नाप कर पानी डालेंगे। इसमें हम 4 गिलास टोटल पानी डाल रहे हैं। चावल के आप इसे भिगो कर भी रख कर मिक्सर में पीस कर, आपके पास चावल के आटे नहीं है तो उससे भी बन जाएगा, नहीं तो आटा है चावल का तो बना लीजिए। देखिए इसमें हम 2 गिलास पानी डालकर इसे घोल ले रहे हैं, क्योंकि इसमें लम्स या गुठलियाँ ना पड़े। गैस को हम एकदम स्लो रखे हैं, या आप नीचे ही से मिलाकर तब गैस पर रखिए। अगर पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो आपके चावल के आटे के पापड़ अच्छा नहीं बनेंगे। इसमें हम 4 गिलास पानी डालकर इसे घोल रहे हैं, मीडियम आँच पर इसे पकाना है 15-20 मिनट तक, नहीं तो आपके पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ देखिए 10 मिनट हो गया है, यहाँ पर मैं 2 गिलास और पानी डाली हूँ, नहीं देखा नहीं पाई हूँ आपको। इसके बाद फिर डाले हैं 1 गिलास, यहाँ पर हम 2 गिलास पानी डाल दिए, इसमें टोटल हम 8 गिलास पानी डाले हैं। इससे गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पर बनाइए आप, नहीं तो आपको पापड़ अच्छा नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ 2 मिनट टाइम है इसमें, 2 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे, जीरा और काली मिर्च कूट कर इसमें मिला देंगे। उसके बाद हरी मिर्च, इसे मिला देंगे। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देंगे, डालकर इसे भी हम मिला लेंगे। आप थाली में या प्लास्टिक पर किसी भी चीज़ पर जो आपको आसान लगे उसे आप इसे फैला दीजिए। देखिए मैं एक प्लास्टिक ली हूँ, इसमें फैलाऊँगी, आप कोई भी साइज में फैला सकते हैं, इसे बना सकते हैं, या छोटा बड़ा अपने अनुसार बनाइए जो आपको पसंद हो। देखिए मैं चम्मच की सहायता से इसे फैला दे रही हूँ, और धूप में इसे 2 या 3 दिन सुखवाई दीजिए, तब इसे 1 साल के लिए स्टोर कर रखेंगे, कभी ख़राब नहीं होगा। और उसे तो आजकल इतनी तेज़ धूप है तो 1 दिन में ही सूख जाएगा, इसे अच्छे तरीके से सुखवा देंगे तो ख़राब नहीं होगा। आप भी इसी तरीके से बनाइए। और ये प्लास्टिक पर आप ऑयल लगा देंगे तो और आसान तरीके से ये निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। 1 गिलास में देखिए कितने सारे पापड़ बने हैं।
अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके बाय।